सो हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं एक ऐसे स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि न्यूली ही लॉन्च हुआ है और ये मार्केट में जबरदस्त तरीके से तबाही मचाने वाला फोन है दोस्तों, जो कि हमारा रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G फोन, जो कि अंदर 30-32 हज़ार में आया है दोस्तों। 30-32 हज़ार के रेंज में ये फोन ऐसा है जो हम आपको इस फोन में बताएंगे, इस फोन आपके लिए है या नहीं, आज फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो हम इसका अनबॉक्सिंग करके सारा डिटेल रिव्यू करेंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कीजिए। अगर वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G का रिटेल बॉक्स, जो कि इस प्रकार का आपको दिख रहा है दोस्तों। काफ़ी बड़ा बड़ा बॉक्स आपको दिया है, यहाँ पे आपको लोगो दिया हुआ है रेडमी के तरफ से और कुछ की हाईलाइट पॉइंट है जो कि डब्बे के पीछे दिया हुआ है। जैसे आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, वो भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ, 1.5K का डिस्प्ले आपको मिल जाता है और 120 वाट का हाइपर चार्जर है, 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, डायमेंसिटी 7200 का प्रोसेसर है। तो और बॉक्स कंटेंट क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, सब आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो भाई साहब, हम लोग फोन खोल रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कंटेंट दोस्तों, एज विजुअल फोन में आपको डब्बे के अंदर ये सिलिकॉन का बैक कवर है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है दोस्तों, ये ब्लैक कलर में काफी सॉफ्ट आपको ये बैक कवर दिया हुआ है जो कि बैक से प्रोटेक्ट करेगा। या कुछ मिनरल गाइड है, ये सिम इंजेक्टर टूल हो गया दोस्तों। ये रहा हमारा फोन, थोड़ा देर के लिए इसको साइड में रखते हैं। और टाइप ए टू टाइप सी का चार्जर है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे इन दिस प्राइस सेगमेंट 120 वाट का आपको हाइपर चार्जर मिल रहा है दोस्तों, जो कि मोटा मोटी मोर देन आधा घंटा बहुत हो गया दोस्तों इसको फोन का चार्ज करने के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। तो बॉक्स कंटेंट दोस्तों इतना ही, बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने फोन की तरफ। तो फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो दोस्तों, फोन का लुक डिजाइन काफी गजब लग रहा है दोस्तों। आपको बैक में ग्लास का टेक्सचर आपको दिया हुआ है और काफी मेटल बॉडी का फील इन हैंड फील हो रहा है दोस्तों। और काफी पतला स्लिम सेट है, जबकि 5000 mAh का बैटरी होते हुए दोस्तों ट्रिपल कैमरा का स्लॉट मिल जाता है। और ये कलर कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको फोन कैसा देखने में लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको लुक डिजाइन किस प्रकार का लग रहा है दोस्तों। मुझे तो पर्सनली फोन काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, इन हैंड फील काफी अच्छा लग रहा है और कैमरा रोल काफी जबरदस्त तरीके से लग रहा है दोस्तों। कलर है हमारे पास व्हाइट कलर। अब फोन को जल्दी से ऑन कर लेते हैं दोस्तों। ऑन करते समय इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं कि बाकी क्या क्या है कंटेंट इसमें मिल रहा है दोस्तों। फोन स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहा दोस्तों, बैक में ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पे फ्लैश लाइट आपको दिया है, यहाँ पे रेडमी का लोगो है और लिखा हुआ है AI कैमरा, 200 मेगापिक्सल OIS के कैमरा के साथ। राइट हैंड साइड में आपका पावर बटन मिल जाता है, यहीं पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है दोस्तों। ऊपर के साइड में बहुत सारा चीज़ दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे कि आयर ब्लास्टर है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस इसमें आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया है, प्लस स्पीकर भी दिया है, यानी कि स्टूडियो स्पीकर होने वाला दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नीचे के साइड में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। और देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे सिम ट्रे के अंदर क्या निकलता है, दो सिम के बाद मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या नहीं, वो हम बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिम ट्रे निकाला, एक सिम दो सिम, यानी कि दो सिम के स्लॉट के साथ मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे हाईब्रिड का झंझट ही नहीं, मेमोरी कार्ड का स्लॉट आपको नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रैम रोम की बात किया है तो इसमें 12/256 GB 8/256 GB वेरियंट आता है दोस्तों। तो फर्स्ट इंप्रेशन डिस्प्ले की बात किया जाए तो दोस्तों 6.78 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ। और आपको इसमें डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस मिलता है जो 1800 nits का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि डिस्प्ले के प्राइस, इस प्राइस सेगमेंट में आपको 1800 nits का पीक ब्राइटनेस कोई नहीं दे रहा है, 1.5K का डिस्प्ले कोई नहीं दे रहा है दोस्तों। और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और बेजल्स की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है बेजल काफ़ी पतले पतले दिए जो हैं। और डिस्प्ले का कर्व भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है आपको, लेकिन इन हैंड फील आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा दोस्तों, स्टूडियो स्पीकर दिया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके हार्डवेयर पार्ट की तरफ। तो कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया है दोस्तों, यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 7200 का प्रोसेसर आपको दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो कि आपको 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर मिल रहा है। वही प्रोसेसर जो वीवो V27 में यूज़ करा था, वही सेम प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। क्लॉक स्पीड यहाँ दिया हुआ था 2.8 GHz के साथ, 8 GB में, 8 GB RAM के साथ, इसमें 4 GB बढ़ा सकते हैं, टोटल 12 GB हो जाए। खैर बढ़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें 256 GB इंटरनल भी है। एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड 13 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेडमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड कम से कम यहाँ से 14 पे
देना चाहता है। बहरहाल आपको जल्दी इसमें एंड्रॉयड 14 आ जाएगा, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट और 3 साल का आपको एंड्रॉयड अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको इसमें सारा चीज़ अपडेट किया हुआ है दोस्तों, 3 साल का अपडेट के साथ सब चीज़ आपको दिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर और इसका हार्डवेयर काफ़ी तगड़ा दिया हुआ है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके फाइनली कैमरा की तरफ। तो कैमरा मॉड्यूल आपको इसमें आपको 200 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ OIS का कैमरा आपको दिया हुआ है, वो भी ट्रिपल स्लॉट के साथ। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको हम दिखा देते हैं कैमरा के कुछ शॉट्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपके सामने लाइव फोटो खींच क्लिक कर रहे हैं, एक नॉर्मल, एक पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट में भी दोस्तों यहाँ पे आप लाइव में आप बैकग्राउंड का ब्लरनेस घटा बढ़ा सकते हैं रिफोकस करने के लिए, और फोटोज़ में आप डायरेक्ट वाइड एंगल पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं और जूम भी कर सकते हैं। जूम के दौरान आपका पिक्चर क्वालिटी कैसा लग रहा है दोस्तों आपके सामने है, हमने 10x पे खींचा है, 1x पे है और 2x पे है, और कैमरा हम फोटो खींच के दिखा दिए दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी दोस्तों 2x पे जूम करने के बाद भी पिक्चर क्वालिटी आपको फट नहीं रहा दोस्तों, और ये नॉर्मल मोड में 1x पे खींचा हुआ तो कलर एक्यूरेट आपको दे रहा दोस्तों, यहाँ पे पूरा एक्यूरेट, कोई आपको कोई मिलावट नहीं, कोई गोरा काला नहीं, जो एक्स यूजुअल जो आपको कलर दिख रहा दोस्तों सामने से वही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा। हमने ये 10x पे खींचा था। और फ्रंट कैमरा की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा है। तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी फ्रंट कैमरा का देख लिए दोस्तों, फ़ोटो को थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है क्योंकि आपको यहाँ पे AI का यूज़ कर रहा है दोस्तों। और हमने पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींच लेते हैं, तो कैमरा क्वालिटी फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मोड की बात किया है दोस्तों, इसमें ढेर सारे मोड मिल जाए, जैसे इसमें डॉक्यूमेंट मोड है, डायरेक्ट 200 मेगापिक्सल पर फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो वो भी आपको हम यहाँ पर क्लिक करके दिखा देते हैं, और जूम करके भी दिखाएंगे कि आपको पिक्चर क्वालिटी 200 मेगापिक्सल का फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली जूम की क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है। और वीडियो रेजोल्यूशन की बात किया है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बता देते हैं, आप मैक्स टू मैक्स 1080 में 60p से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर 4K का भी ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 20fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ 60fps रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं फ्रंट कैमरा की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे 1080 में 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारे फ़ोन में आपको 60fps का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम फ्रंट एंड बैक कैमरा में आपको स्मूथनेस फील आपको कराएगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ पर आप इसको फिल्टर वगैरह सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड तो है ही दोस्तों, और मोन ऑप्शन जाने के बाद आपको स्लो मोशन वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दोस्तों इसका लुक एंड डिज़ाइन कैसा लग रहा था वो भी जरूर बताइएगा। और हाँ, और बैटरी की बात किया है दोस्तों, इसमें 5000 mAh का बिग बैटरी दिया हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि आपको 120W का सुपर चार्जर आपको दिया है, मतलब काफ़ी फास्ट चार्जर आपको मिल जा रहा है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो, तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों और फ़ोन कैसा लग रहा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसका कंपैरिजन किसी फ़ोन से देखना चाहते हैं प्लीज़ वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस फ़ोन का किस फ़ोन के साथ कंपेयर किया जाए, वो भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।